केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि भाई हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, तो कहाँ भारत का मतलब कहाँ भारत का निर्माण हो रहा है? अगर बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएँ हैं उनको अगर उनके अनुयायी और ख़ासकर वो अनुयायी जो उनके कैबिनेट में एक मंत्री भी हैं और उनसे मंत्री पद ले लेते हैं, तो ये कैसा अंबेडकर प्रेम? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है ये अब गुजरात में इस पर बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, गुजरात में जो दलित वोट है वो बहुत खिसक जाए। बहुजन समाज को बाबा साहब की फ़ोटो दिखा करके इस्तेमाल किया गया कि बहुजन समाज बाबा साहब का अनुयायी है और बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं पर ये जो अटैक हुआ है, ये जो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो प्रतिज्ञा 1954 से हैं, सॉरी 1956 से अब तक पूरा ये हर साल दम दीक्षा होती है, हर साल इन प्रतिज्ञाओं को लिया जाता है। अब वो अंबेडकरवाद, अगर अंबेडकरवादी तो बता दिए, जो अंबेडकरवादी मंत्री है उसने बता दिया, दिखा दिया, दो मिनट में अपने मंत्री पद को ऐसे लात मार दी अंबेडकरवाद के लिए, इससे बड़ा अंबेडकरवादी कौन होगा? पिछले एक दो महीने से हम लोगों की ये तैयारी थी कि अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हम ये धम्म दीक्षा का प्रोग्राम करेंगे 5 अक्टूबर 2022 को, जिस दिन अशोका विजयदशमी भी थी, तो उस दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था। लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर के जो बीजेपी और अन्य विरोधी लोग हैं उन्होंने इस तरीके का विरोध किया था और केजरीवाल जी को ये प्रेशर बना रहे थे कि केजरीवाल जी ने ये कराया है जानबूझ करके, ये हिंदू विरोधी हैं और ये प्रेशर बना रहे थे। लेकिन केजरीवाल जी की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन राज्यपाल गौतम जी के लिए नहीं था कि वो इस्तीफा दें, लेकिन राज्यपाल गौतम जी ने अपने नेता के बचाव में ये सोचते हुए कि भाई मेरे नेता पर इस तरह का विरोध किया जा रहा है, उन्होंने फिर ये इस्तीफा दिया था। नहीं देखिए, इस तरह का जो एक्ट केजरीवाल जी ने किया है, मैं इस माध्यम से केजरीवाल जी से ही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से दलितों को सम्मान दे रहे हैं उनके दे रहे हैं ले रहे हैं उल्टा, सुनिए, सम्मान देने के संग संग जो जिस तरह से वोट लेकर के सरकारें बना रहे हैं तो उनका ये सम्मान नहीं है, अब आप अपमान कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं बेसिकली। आपने ये हमला जो किया है, एक प्रकार से मैं तो ही कहूँगा केजरीवाल जी से, आप जो है ये हमला कर रहे हैं, ये राज्यपाल गौतम पे हमला नहीं है, ये बाबा साहब पे हमला है और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं। हमें लगता है कि ये केजरीवाल जी बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिला प्रवर्गन से जिला अध्यक्ष हूँ SHT विंग से, तो मैं पार्टी के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी में डे वन से हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग पार्टी में काम करते हैं, पार्टी में सरकारें बना रहे हैं, दिल्ली में सरकार हम लोगों ने बनाई, दिन रात हमने मेहनत की है, पंजाब में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी है, हम हिमाचल में जाकर के हम प्रचार करते हैं, अब हम गुजरात में हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्ट केजरीवाल जी ने किया है मुझे भी बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि ये पता नहीं क्यों ऐसा किया है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर आप मंत्री पर कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, मुझ पर भी कार्रवाई करें, मुझसे भी कहें कि मैं आप रिजाइन करिएगा, मैं रिजाइन करूँगा। अभी 5 अक्टूबर 2022 को एक प्रोग्राम हुआ था, धम्म दीक्षा प्रोग्राम, तो इससे संबंधित इस प्रोग्राम को लेकर के बीजेपी ने ये विरोध किया था कि इस धम्म दीक्षा के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो इस बात को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था केजरीवाल जी पर। तो फिर केजरीवाल जी के मंत्री जी हैं जो राज्यपाल गौतम जी, जो उस धम्म दीक्षा में शामिल थे, उन्होंने भी वो 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई थी जो 1956 में 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब की, जो बाबा साहब ने दोहराई थी धम्म दीक्षा जब ली थी, बुद्ध की तरफ वो चले गए थे, तो उसी को लेकर के ये विवाद था और उसी विवाद के चलते राज्यपाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया था। लेकिन गौतम जी तो पिछले कई महीने से धम्म रथ चला रहे थे, मिशन बाबा साहब के मिशन को लेकर, जय भीम मिशन को लेकर। हाँ बिल्कुल चला रहे थे, मैं आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ, जिला पटपड़गंज, SC ST विंग। अच्छा जी, तो लेकिन ये जो गौतम साहब को पार्टी से जो है बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, पद छीन लिया गया है कैबिनेट मंत्री का, ऐसा क्यों किया गया है? क्या आपको दलितों के वोट नहीं चाहिए देश में? देखिए, मैं ये जो केजरीवाल जी ने जो ये डिसीजन लिया है, मैं भी बड़ा स्तब्ध हूँ इसको लेकर के। एक तरफ तो हमारे नेता जो केजरीवाल जी हैं, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को इस माध्यम से कि केजरीवाल जी जो हमारे हम दलितों का वोट लेने के लिए बाबा साहब की एक तरफ फ़ोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ विचारों पर ताला लगाते हैं, हाँ विचारों पर ताला लगाते हैं, जो उनके विचारों पर चलते हैं उनके साथ वो इस तरह का अन्याय कर रहे हैं, जो मुझे कहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक जो उनके मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, जो अंबेडकरवादी हैं, एक तरफ तो वो अंबेडकर साहब को अपने साथ रखते हैं कि नहीं नहीं मैं अंबेडकर के सपनों का भारत बनाऊंगा, एक तरफ फोटो लगवा दें सभी ऑफिसों में, बिल्कुल बिल्कुल सब उसमें फोटो लगा दिया। अभी आप देखें दिल्ली के बाद जो
पंजाब की सरकार है, पंजाब की सरकार जब बनने में अगर हम देखें तो दलितों का बहुत बड़ा हाथ है, और वहाँ पर जो जिस तरह से केजरीवाल जी ने बाबा साहब की फ़ोटो लगाई है, इस तरह की काफ़ी योजनाएं हैं जो हमारे राज्यपाल गौतम जी ने जो है ये इस तरह की योजनाएं लाई हैं, और केजरीवाल जी ने उनको सपोर्ट भी किया था, और उस योजना का लाभ उठा करके हमारा दलित समाज काफ़ी कंपटीशन पास करके कई एग्ज़ाम में वो जा चुका है। तो ये अच्छी योजनाएँ हैं केजरीवाल जी की। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा स्तब्ध हूँ इस बात को लेकर कि केजरीवाल जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि केजरीवाल जी आप एक तरफ तो मतलब है कि उन्होंने ये इस्तीफा नहीं लिया, किसी दूसरे का दबाव में लिया है। आई थिंक दबाव में लिया होगा, मुझे भी ऐसी लगता है। कुछ नहीं उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, उसमें कहाँ गलत है। देखिए वो जिसने भी जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो बेसिकली उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ ही नहीं रहे। अगर 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 उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ लें तो मुझे नहीं लगे वो उसमें तो जीवन का जीवन है, उसमें आप जीवन जीना सीख जाएंगे। उसमें उसमें ये है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं कोई कामों पापों को ये नहीं करूँगा, मैं जीवों पर दया करूँगा, ये भी उसमें विचार हैं। लेकिन ये आप सिर्फ एक बात पे ये कर रहे हैं कि नहीं देवी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मार रहे। देखिए हिंदू को देवी देवता ये हमारा देश है, सब धर्मों का देश है, यहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं मानता, लेकिन उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जरूरी नहीं है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म को मानेगा, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। लेकिन ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बीजेपी सरकार ने इनको छापा था बड़े पैमाने पर, तो उनको अब ऐसा क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इन प्रतिज्ञाओं को लेकर? हाँ देखिए अभी अगर हम नागपुर में कहें, नागपुर में एक बड़े बड़े शिलालेख पर ये सारी प्रतिज्ञाएं छपी हुई हैं, तो इसमें कुछ गलती नहीं है। ये आज से नहीं, 1956 से लेकर के हर साल हमारी धम्म दीक्षा होती है, और उस धम्म दीक्षा में 22 प्रतिज्ञाएं हम लोग दोहराते हैं। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं ली थी, तो हम उन प्रतिज्ञाओं को हम खुद, मैं उस दिन के प्रोग्राम में मैं खुद शामिल था, मैंने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली है। देखिए पुलिस ने बुलाया, जो नोटिस उनको मिला है उस नोटिस में कोई FIR का तो जिक्र नहीं है, बस जस्ट एक प्रोग्राम जो 5 अक्टूबर को किया गया था उस प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरह का ये धर्मांतरण जैसा प्रोग्राम है, तो इस बारे में वो इंक्वायरी करना चाहते हैं कि भाई इस तरह का प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हो या क्यों कर सकते हो, कितना न्यायिक है कितना नॉन न्यायिक है, मतलब इस तरह से लेकर कई बात है। लेकिन सर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी तो धर्म संसद करते हैं उत्तराखंड में, पूरे देश में, उनके लिए भी तो कोई ऐसा विरोध तो उनके लिए तो होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात कही है, अगर वो अपने लिए अगर कोई धर्म संसद कर रहे हैं, वो अपने धर्म से संबंधित अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए आदमी अपना स्वतंत्र है, वो जिस विचार को भी मानता है, जिस धर्म को भी मानता है, वो अपने धर्म को किसी भी धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र है, ये संविधान में प्रावधान है। लेकिन भारती जी ये जो पूरा अभियान चला रहे थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जय भीम मिशन योजना वगैरह, इन्होंने सरकार से कुछ बातचीत नहीं की थी इस पूरे मामले पर? नहीं देखिए मिशन जय भीम बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं, मिशन जय भीम एक अलग चीज़ है। मिशन जय भीम सर मंत्री तो हैं, बिल्कुल एक सामाजिक संगठन है, ठीक है, मंत्री जी उसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष आर्य जी हैं, और उस मिशन जय भीम में मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, मैं मिशन जय भीम में दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। तो ये जो हम लोगों ने आयोजन किया था, इस आयोजन की हमारी तैयारी महीनों से चल रही थी, ये कोई नया नहीं था, हमने सारा फेसबुक पर दिया था, ट्विटर पर दिया था। ये सरकार से आपने कोई सलाह ली थी? नहीं, दिल्ली सरकार से क्यों सलाह लेनी है, ये सामाजिक कार्य है। देखिए मैं एक राजनीति में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं एक समाज में भी काम करता हूँ, मैं एक समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है मेरा, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी। नहीं उसकी क्यों जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है? लेकिन देश में तो सर आप देश में तो हिंदू राष्ट्र को मजबूत किया जा रहा है ना, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। देखिए हिंदू राष्ट्र को आपको जब तक हिंदू राष्ट्र की ऐसी खूबियाँ नहीं आप हिंदू उसमें लेकर आएंगे हिंदू धर्म में, जब तक लोग कैसे आएंगे इसमें। अभी आप ये देखिए कि जिन दलितों के ऊपर आप ये एलिगेशन लगा रहे हो कि तुम धर्मांतर कर रहे हो, वो दलित अगर आपके यहाँ काम आपके यहाँ रहते हैं उनके साथ तुम अत्याचार करते हो, उनकी बहू बेटियों को मारपीट करते हो, उनको सब ये सब करते हो, अब आपके साथ हैं मंदिरों में जाते हैं तो आप उन पर हमला करते हो, अगर मंदिरों में जाने पर हमला कर रहे हो तो फिर अगर वो मंदिरों से बाहर जा रहे हो तो फिर उनको रोक क्यों रहे हो? ये दोगलापन है एक प्रकार से। ये जो पूरा प्रोग्राम चला है 5 अक्टूबर को, इसके बाद लखनऊ में भी हुआ है, इंदौर में भी हुआ है, कई जगह ये धर्म की दीक्षा दी गई है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ यहीं दिल्ली में ही क्यों हुई है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी 5 तारीख के बाद भी 9 अक्टूबर को एक धम्म दीक्षा अभी लखनऊ में हुई है, जहाँ पर जो यहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर वहाँ करीब करीब 20,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, लेकिन वहाँ किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ लेकिन जो कार्रवाई होनी है वो सिर्फ दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, जो बहुत गलत है। और फिर मैं तो कहता हूँ यहाँ भी कहीं भी कार्रवाई का कोई मीनिंग ही नहीं है, कार्रवाई किस बात की कर रहे हो? कोई आदमी धम्म दीक्षा ले रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा। देखिए आप, मैं एक विचारधारा मानता हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगा, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मैं जीवों पर दया करूँगा, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
मैं हिंदू देवी देवता को नहीं मानता, मैं दूसरे धर्म में मैं विश्वास रखता हूँ, मैं जीवों पे विश्वास रखता हूँ, मैं जीवों पर दया करनी चाहिए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? मेनस्ट्रीम मीडिया में 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाएं जो विरोध करने वाले लोग हैं, इन्होंने सिर्फ 2 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं। आप अगर खुद भी अगर 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है आप विरोध करेंगे, उसमें जीवन का सार है। भगवान बुद्ध ने जो ये है, भगवान बुद्ध की तरफ हम लोग जाते हैं, भगवान बुद्ध को अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। गौतम जी थाने में हैं, पूछताछ की जा रही है उनसे, लेकिन जो लोग दीक्षा लेने आए थे उनके प्रोग्राम में, उनके साथ में जो थे मंच पर, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको अकेला छोड़ दिया गौतम जी को आजकल लोगों ने? नहीं, कहाँ कहाँ उनको अकेला छोड़ दिया, आप कैसे कह सकते हैं अकेला छोड़ दिया? देखिए कितने लोग हैं उनके साथ में यहाँ पे आज? नहीं नहीं, हम है ना, देखिए सब क्या इतने लोग थे उस दिन 5 अक्टूबर को? नहीं, इतने लोग नहीं थे, आएंगे ऐसा। कहाँ गए बौद्ध भिक्षु? नहीं नहीं, बौद्ध भिक्षु सब हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये बात जो कह रहे हैं ऐसे नहीं है, सब लोग हैं, सब लोग हैं साथ में, ऐसी कोई बात नहीं। जिनको दीक्षा दिलवाई थी वो भी नहीं है उनके सपोर्ट में, उनका पद छिन गया उनका? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बात नहीं कह सकते आप, उनके संग नहीं, उनके संग सब हैं। आज आपको लग रहा है कि दलितों के नाम पे संगठन चल रहे हैं हजारों लाखों जी, बाबा साहब के नाम पे चल रहे हैं, वो तो कहीं उनके बचाव में नहीं आ रहे, उनको सपोर्ट करने के लिए ना कोई खड़ा है उनके साथ, जो बाबा साहब की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सब पूरे दलित समाज को साथ लेकर चल रहे थे ना गौतम जी, तो आज वो समाज के लोग कहाँ चले गए? नहीं, आपको कैसा लगता है समाज उनके संग नहीं है? आज भी देखिए उनके आवास पे जब से उन्होंने रिजाइन किया है, जब से उनके साथ उनके लोग खड़े हुए हैं, उनके साथ हम लोग खुद वहाँ रहते हैं और भी सब लोग समय पूरा दिन वहाँ रहते हैं, किसी भी तरह का हर तरह से सपोर्ट है, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा सब तरह से सपोर्ट है, इवन हमारे जो दूसरी पार्टी के, देखिए ये सपोर्ट वाली बात मैं आपको कर रहा हूँ, जो दूसरी पार्टियों में लोग हैं हमारे समाज के, उन लोगों ने भी ये कहा है कि मंत्री जी, राज्यपाल गौतम जी, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, हम लोग भले से दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। गौतम जी का पद भी चला गया है, पता नहीं पार्टी में रहे ना रहे, वो तो उनका अभियान आगे चलेगा नहीं चलेगा? यस बिल्कुल, ये अभियान अब बड़े लेवल पर जाएगा, जो हमारी अपनी आगे की रणनीति है। देखिए मैं मिशन जय भीम का भी पदाधिकारी हूँ और हम लोग इस पर रणनीति बना चुके हैं, अब हम लोग देश में भी जाएंगे, इस तरह का हमारे प्लान है, हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ना, अब हम उस विरोध को और आगे लेके जाएंगे। देखिए जैसा कि अभी मंत्री जी कह रहे हैं वो कि भाई उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, और उन्होंने अपनी मर्जी से ही दिया होगा, अच्छा दबाव में नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दबाव में लिखवाया गया इस्तीफा ये गौतम जी से? नहीं देखिए ये सोच रहे हैं ना सब लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए जब भी अब ये जो इस्तीफा लिया गया है, सीधी सी बात है कि जो जिनसे लिया गया वो जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी ना, सोचने में तो अलग बात है, सोचने में क्या होता है कि भाई आप ये सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ, सोचने से क्या होता है? गौतम जी का पद चला गया है, पार्टी में जो नेता हैं SC ST के, क्या वो पार्टी में रहेंगे, उनके साथ चलेंगे गौतम जी के? नहीं, गौतम जी आने वाला समय बताएगा आप सबको, सब जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी साथी हैं हमारे, वो बैठ करके अपनी सबने डिसीजन लिया हुआ है, मंत्री जी के साथ जो भी आगे कार्रवाई हो रही है, जैसा भी उनके साथ हुआ है, उसके बाद अब हमारे लोग अपना क्या डिसीजन लेते हैं वो जल्दी ही मीडिया के सामने आएगा। और जहाँ तक अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि बहुजन समाज को इस्तेमाल करने वाली बात है, तो वाकई हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, खाना खिलाने की बात रही या पैर धोने की बात रही है, तो बहुत सारी बातें आपने देखी हैं, तो वो राजनीतिक स्टंट हो सकते हैं, बाकी अम्बेडकर बात तो आपको सामने देखने को नज़र आ गया होगा कि एक छोटी सी बाबा साहब पर बात आने पर अगले ने अपने मंत्री पद को एक मिनट में त्याग दिया, नहीं नाता थोड़ी तोड़ा, ये तो मैं भी कह रहा हूँ मजबूरी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि अगर मैं समाज के लिए बना हूँ और समाज के लिए कार्य करूँगा। इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? इस्तीफा इसीलिए दिया है ना, जो दूसरी पार्टियाँ लाचन लगा रही थी कि भाई इन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए बोला है, तो उसमें 22 प्रतिज्ञाओं में कोई किसी धर्म विशेष का है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो केजरीवाल जी वो संघ के आदमी दिखाई देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वो देखो जिसको जैसे, वो हर आदमी की अपनी मंशा होती है, वो क्या सोचता है ये उसकी बुद्धि पर आधारित है, ठीक है, हमारी क्या बुद्धि है वो हम जानते हैं, ठीक अच्छा। है, हमें इतना पता है कि केजरीवाल जी ने जो किया है अभी वो एक्सेप्ट किया है, शायद हमें लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अंबेडकरवादी हैं तो अंबेडकरवाद को इस्तीफा ही केजरीवाल साहब ने दिलवाया, उनके दबाव में लिखा गया है इस्तीफा, उनके आदेश पे लिखा गया है, नहीं ये तो पार्टी छोड़ो, ये ऐसा हमें बिल्कुल नहीं इस बारे में ज्ञात है कि केजरीवाल जी ने कहा है, ये सिर्फ इतना पता है कि भाई केजरीवाल जी को इस्तीफा दिया है और मंत्री जी ने अपने उससे दिया, मंत्री जी ने खुद अपने निर्णय को बताया कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है, क्योंकि कुछ लोग पार्टी पर उंगली उठा रहे थे, केजरीवाल जी पर उंगली उठा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने अंबेडकरवाद को थामे रखा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं बेइज्जती क्या है इसमें, मंत्री साहब को इस्तीफा छीन लिया? इस्तीफा दिया है, लिया नहीं गया, दिया है मंत्री जी ने, अपने अंबेडकरवाद को, अपने समाज के कार्य को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना मंत्री पद त्यागा है। अच्छा।
उनसे लिया नहीं गया है, लिखा नहीं गया उनसे, नहीं उन्होंने खुद दिया है। छोड़ सकता है मर्जी से, क्यों नहीं छोड़ सकता, कैसे छोड़ेगा? अरे समाज के लिए काम कर रहे थे, बाबा साहब ने नहीं इस्तीफे दिए थे, बाबा साहब को जो जाने को बाबा साहब पे चलेगा। तो मर्जी से दिए थे क्या बाबा साहब भी? हैं? मर्जी से इस्तीफा दिए थे? हाँ, बाबा साहब ने भी, बाबा साहब ने भी अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था ना। तो दबाव तो अब भी है, अन्य अन्य पार्टियों का दबाव तो है ही। देखिए, बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया था बेसिकली वो हिंदू कोर्ट बिल लाया गया था। बाबा साहब उस समय कानून मंत्री थे और वो हिंदू कोर्ट बिल लेकर आए थे, जो हिंदू कोर्ट बिल पास नहीं होने दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कानून मंत्री होने के नाते हिंदू कोर्ट बिल, वो जो बहुत ज़रूरी था महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था, जब उन्हें लगा कि नहीं मैं कानून मंत्री होने के नाते अगर मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे अब इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।